रात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं और कुछ ही दिनों में देश रामनवमी का पर्व मनाएगा। रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी। मेरा पहला सवाल होगा ये कि आपने कई भाषणों में कहा है कि 2024 आपका लक्ष्य नहीं है, 2047 है, तो 2047 तक क्या कुछ होने वाला है और क्या ये चुनाव महज एक फॉर्मेलिटी है? मैं समझता हूँ कि 2047 को और 2024 दोनों को मिक्सअप नहीं करना चाहिए, दो अलग चीज़ें हैं। जब देश आज़ादी के 75 साल अमृत महोत्सव मना रहा था, उसी समय मैंने ये विषय सबके सामने रखना शुरू किया था, आज से एक दो साल पहले। और मैं ये कहता था कि 2047 देश की आज़ादी के 100 साल होंगे। स्वाभाविक रूप से ऐसे जो माइलस्टोन होते हैं वो एक प्रकार से नया उत्साह भरते हैं, नए संकल्प के लिए व्यक्ति को तैयार करते हैं। और उस अर्थ में मेरा मत था कि एक मौका है, 75 साल पर हम खड़े हैं, 100 साल पहुंचने वाले हैं, इस 25 साल का सर्वाधिक उपयोग कैसे करें। हर इंस्टीट्यूशन, हर कोई अपना एक लक्ष्य बनाए कि मैं अपना गांव का प्रधान हूं, 2047 तक मेरे गांव में इतना तो मैं करूंगा। RBI को मैं कार्यक्रम में अभी गया, 90 साल का उनका कब, तो मैंने कहा कि 10 साल बहुत महत्वपूर्ण है, आपके 100 साल होंगे, इस पर अभी से सोचिए। तो मेरे मन में 2047 ये भारत की आज़ादी के 100 साल और देश में एक प्रेरणा जगनी चाहिए, और आज़ादी के 100 साल अपने आप एक बहुत इंस्पिरेशन है, किसी व्यक्ति की जरूरत नहीं है। तो एक पार्ट तो वो है, दूसरा है 2024। 2024 ये चुनाव का हमारा जो क्रम है 5 साल का, उसके हिसाब से वो आया हुआ क्रम है। और मैं मानता हूँ कि चुनाव ऑल टुगेदर डिफरेंट थिंग है। एक तरफ इस चुनाव में आप देखते हैं, लोकतंत्र में चुनाव को हमने लाइट नहीं लेना चाहिए, ये एक बहुत बड़ा महापर्व है, और इसलिए मेरा तो मत है कि उसको उत्सव के रूप में मनाना चाहिए। उससे जैसे स्पोर्ट्स, उसका जब फेस्टिवल होता है, स्पोर्ट्स के इवेंट होते हैं, वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को पैदा करते हैं, प्रतिस्पर्धा भी। जब खेल का मैदान होता है तो देखने वाले, खेलने वाले, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का एक एनवायरनमेंट क्रिएट होता है जो हमारे संस्कार बन जाते हैं। चुनाव का ये माहौल अगर हम उत्सव में पलट दें, लोकोत्सव बना दें, तो हमारी रगों में, डेमोक्रेसी आने वाली पीढ़ियों के रगों में वो संस्कार बन जाती है। और लोकतंत्र के लिए बहुत आवश्यक है कि लोकतंत्र ये सिर्फ संविधान की सीमाओं में नहीं बंधना चाहिए, हमारी रगों में होना चाहिए, हमारे संस्कार में होना चाहिए। और उस अर्थ में मैं 2024 को देखता हूँ। ये बात सही है कि हमारा 25 साल का विजन, और उसमें मैंने बहुत काम किया है, और ये आज कर रहा हूँ ऐसा नहीं है। शायद मैं जब गुजरात में था तब भी इन दिशा में सोचता था। अब देखिए 2024 का चुनाव तो देश के सामने एक अवसर है कि एक कांग्रेस सरकार का मॉडल और एक बीजेपी सरकार का मॉडल, उनका 5-6 दशक का काम, मैं उनके लिए बहुत खुला मैदान छोड़ता हूँ, 5-6 दशक का काम और मेरा सिर्फ 10 साल का काम। कंपैरिजन कीजिए, किसी भी क्षेत्र में कंपैरिजन कीजिए, अगर कुछ कमियाँ होगी तो भी हमारी एफर्ट्स में कमी नहीं रही होगी। दूसरा, मुझे 10 साल में 2 साल तो कोविड की लड़ाई में जाना पड़ा और आफ्टर इफेक्ट भी बहुत था, फिर भी आज हम कंपैरेटिवली देश को स्पीड कहो,
स्केल कहो, सर्वांगीण विकास की बात करें तो वो कहें, सर्वसमावेशक विकास की बात कहें तो वो देखें, हर पैरामीटर पे आपको कांग्रेस के मॉडल से एक ऐसा मॉडल नजर आ रहा है कि हाँ इस रास्ते पर हम चलेंगे इतनी गति से, और गति और बढ़ानी है मुझे अगले टर्म में, गति भी बढ़ानी है और स्केल भी बढ़ाना है, तो वो तो मेरा लक्ष्य है ही है। दूसरा आप देखेंगे कि जब देश चलाने की देशवासी जिम्मेवारी देते हैं तो आपका सिंगल माइंडेड फोकस होना चाहिए, देश, देश के लोग। दुर्भाग्य से पहले की राजनीतिक कल्चर ने परिवार को कैसे मजबूत बनाना, परिवार की जड़ों को कोई उखाड़ न दे, उसी में शक्ति लगाते रहे, जबकि मैं देश मजबूत इसी एक लक्ष्य को लेकर के काम कर रहा हूँ, मेरी सरकार पूरी उस लक्ष्य को लेकर काम रही। और जब देश मजबूत होता है तो हर कोई उसका बेनिफिशियरी संतोष अनुभव करता है, कहाँ यार कुछ तो हो रहा है, मेहनत तो कर रहा है, ईमानदारी से कर रहा है, इन चीज़ों का इम्पैक्ट होता है। तो 2024 ये चुनाव है और चुनाव का मैदान है, तो हम एक अपने ट्रैक रिकॉर्ड को लेकर के गए हैं और वे अपने टैप रिकॉर्ड को लेकर के आए हैं। अब प्रधानमंत्री जी, आपने दो चीज़ों का जिक्र किया जिसके बारे में मैं पूछना चाहूँगी। एक तो वो जब आरबीआई में जब आपने कहा 2014 विजन वगैरह की बात कर रहे थे, तो जब आप कहते हैं कि ट्रेलर है, आपके स्पीचेस में कहते हैं अभी तो ट्रेलर है, मैं बहुत कुछ करने वाला हूँ, तो एक एक कस्बा होता है जो थोड़ा नर्वस हो जाता है कि करने क्या वाले हैं मोदी जी, एक वो नर्वस होते हैं, जो दूसरी जिनका विश्वास आप पर पूर्ण तरह है वो सोचते हैं कि हाँ अभी और काम बाकी है और मोदी जी उसे अंजाम देने वाले हैं। तो दोनों के लिए आप अगर हमें बताएं कि विजन क्या है कि 2047 तक किस तरह ये विजन सक्सेसफुल होगा, क्या आपका गेम प्लान है? जब मैं कहता हूँ कि मेरे मन में बहुत बड़े बड़े प्लान है और उसके लिए बहुत बड़े बड़े फैसले हैं, किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है, मेरे निर्णय किसी को डराने के लिए नहीं है, किसी को दबाने के लिए भी नहीं है, मेरे निर्णय देश के सर्वांगीण विकास के लिए है, जन कल्याण के लिए है, देश के युवाओं के एस्पिरेशंस को मैं देर करना नहीं चाहता हूँ, मैं समय बिगाड़ना नहीं चाहता हूँ, उस अर्थ में मैं कह रहा हूँ। दूसरी बात है, ज़्यादातर सरकारों का स्वभाव होता है वो ये मिजाज में रहते हैं, हमने तो सब कुछ कर लिया, हम तो सब कुछ करते हैं, मैं नहीं मानता हूँ मैंने सब कुछ कर लिया है, मैंने ज़्यादा से ज़्यादा करने का प्रयास किया है, सही दिशा में जाने का प्रयास किया है, फिर भी बहुत कुछ है जो मुझे अभी भी करना है, क्योंकि मैं देखता हूँ मेरे देश की कितनी आवश्यकताएं हैं, हर परिवार का सपना, वो सपना कैसे पूरा हो, ये मेरे दिल में पड़ा हुआ है। और इसलिए मैं कहता हूँ जो हुआ है वो ट्रेलर है, आपको अच्छा लगा है, लेकिन मैं बहुत अधिक करना चाहता हूँ, उस अर्थ में मैं उस बात को कहता हूँ। दूसरी बात है कि 2047 का जो विजन का सवाल है, एक तो मैं लंबे समय तक मुख्यमंत्री रह करके आया हूँ और मैं अनुभव करता था कि बार बार चुनाव, आचार संहिता, किसी भी राज्य में चुनाव हो तो मेरे राज्य से 30-40 सीनियर अच्छे अफसर ऑब्जर्वर के नाते जाते थे इलेक्शन ड्यूटी, तो 40-50 दिन तक वो बाहर रहते थे, तो मुझे चिंता रहती थी कि मैं सरकार कैसे चलाऊं, क्योंकि देश में ऐसे चुनाव होते ही रहते और मेरे ऑब्जर्वर जाते रहते हैं, तो फिर मैंने सोचा कि मैं ये इसको वैकेशन नहीं मानता हूँ, मैं चुनाव होगा तो उस पीरियड को वैकेशन के रूप में नहीं लूँगा, मैं अफसरों को पहले से काम देता हूँ, भाई अगली सरकार के लिए ये काम करूँ, तो मैं उस समय भी 100 दिन का प्लान करता था। हाँ, उसी में पूछना था मुझे। हाँ, अभी तो चुनाव हो ही रहे हैं
अभी रिजल्ट्स भी नहीं आए और आप 100 दिन का प्लान बना रहे हैं। मैं चुनाव में जाने से पहले शुरू किया। हाँ। और दरअसल मैंने कैसे किया कि मैं पिछले 2 साल से 2047 को ध्यान में रख के काम करता था, और उसके लिए मैंने देश भर में लोगों के ओपिनियन मांगे, सुझाव मांगे। शायद 15 लाख से अधिक लोगों के मैंने सुझाव दिए हैं कि वो आने वाले 25 साल में हिंदुस्तान को कैसे देखना चाहते हैं। और मैंने सभी यूनिवर्सिटीज़ को कांटेक्ट किया, मैंने अलग अलग एनजीओ को कांटेक्ट किया, संगठनों को, और 15-20 लाख लोग उन्होंने इनपुट दिया। फिर मैंने एआई की मदद लेकर के उसको सब्जेक्ट वाइज बनाया, उसके काफ़ी मैंने टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हाँ टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग किया। ओके। मैंने हर विभाग में अफसरों की एक डेडिकेटेड टीम बनाई कि भाई इस पर काम कीजिए, कैसे हो सकता है अगले टर्म के लिए, 25 साल के लिए। अच्छा। और फिर मैंने खुद ने उनके साथ बैठा, प्रेजेंटेशन लिए 2-2.5 घंटे, और मेरा विजन के अनुरूप क्या चीज़ें हैं, कौन सी चीज़ें डुएबल हैं, कौन सी चीज़ें डुएबल नहीं, थोड़ा सा ट्रेलर बता सकते हैं उसको। मैं ऐसा है कि आचार संहिता चल रही है। अच्छा। मैं अभी अगर इन चीज़ों को बताऊंगा तो शायद कोई उसको गलत अर्थ में ले लेगा, तो मैं उसमें फंसना नहीं चाहता हूँ जी, लेकिन इसमें कुछ छुपा हुआ नहीं है, मिल ही जाएगा। दूसरा, मैंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि ये जो मैं डॉक्यूमेंट बना रहा हूँ, जो मेरा विजन है जी, लेकिन वो विजन मोदी की बपौती नहीं है, वो 15-20 लाख लोगों के विचारों को उसमें समाहित गए, एक प्रकार से इसकी ओनरशिप देश की है। 15-20 लाख लोग इनपुट देते हैं, मतलब पूरा देश दे रहा है जी। मैंने क्या किया है कि मैंने उसको अभी डॉक्यूमेंट के रूप में तैयार करवा रहा हूँ, जैसे ही चुनाव प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तुरंत वो स्टेट को भेज दिया जाएगा। ओके। मैं चाहूँगा कि स्टेट उस पर काम करे, स्टेट को क्या लगता है क्या हो सकता है क्या नहीं। और वो सिर्फ बीजेपी स्टेट्स नहीं है, सभी नहीं, पूरा देश, ये देश का है, ये भाजपा का नहीं है जी। ओके। ये काम देश का है जी। फिर मैं नीति आयोग की मीटिंग बुलाऊंगा, उसमें इस पर व्यापक चर्चा करूंगा मुख्यमंत्रियों के साथ, और फिर उसमें से एक फाइनल चीज बनेगी। दूसरी तरफ मैंने अफसरों को कहा कि अभी जो हमारे सामने चित्र बना है, जो कुछ भी इनपुट आए उसके आधार पर मैंने अपने इनपुट दिए, उसमें से मुझे 3 हिस्सों में काम करना है। एक, बीजेपी का जो मैनिफेस्टो आएगा उसमें से करणीय काम तुरंत कैसे ले सकते हैं। दूसरा, ये जो 25 साल का हमारा जो एक खाका बना है, जो मेरा अपना विजन है, अभी तो मैं चाहूँगा कि मुझे और भी उसमें क्रिटिकल इनपुट चाहिए मुझे। मैं ऐसा नहीं मानता हूँ कि सब कुछ मुझे ही समझ और मुझे ही दिखता है। कोशिश मैंने भारी की, मैंने काफ़ी समय लगाया इसमें, उसको मैं 3 हिस्सों में बांटा। एक, 25 साल, उसके लाइट में मेरे नेक्स्ट 5 ईयर, और उसके लाइट में मेरे फर्स्ट 100 डेज। तो इस प्रकार से मैंने पूरा डिजाइन बना टेबल बना लिया, अफसरों को काम पे लगा दिया है, क्योंकि मैं 1 मिनट भी गंवाना नहीं चाहता हूँ जी। अब आपको याद होगा 2019 में, बहुत कम लोगों को ध्यान रहता है, उस समय भी मैंने 100 दिन का काम दे करके चुनाव के मैदान में गया था, और जब वापस आया आर्टिकल 370 100 दिन में मैंने कर दिया, 3 तलाक से मेरी बहनों को मुक्ति दिला दी, पहले 100 दिन में किया, UAPA बिल सिक्योरिटी को लेकर के हमने 100 दिन में कर दिया, बैंकों का मर्जर बहुत बड़ा काम था हमने 100 दिन में कर, इतना ही नहीं पशु का टीकाकरण, ये कोविड के टीकाकरण की इतनी चल रहा है ना, मैं देश में पहली बार करीब 15,000 करोड़ रुपये लगा करके पशुओं के टीकाकरण का बड़ा अभियान चला रहा हूँ, और मैंने 19 में पहले 100 दिन में किया था। तो मैं 100 दिन का क्या काम करना वो हेफाजर नहीं करता, मैं बिल्कुल प्लानिंग करके उसको आधार पर आगे चलाता हूँ। मोदी जी, आपने एक टर्म कॉइन किया है जो बहुत ही लोकप्रिय हो गया है, मोदी की गारंटी। अब चुनाव के वक्त कई लोग कह रहे हैं कि क्या उम्मीदवार जो है वो नॉट इम्पॉर्टेंट है, वोट तो सिर्फ मोदी जी को जा रहा है क्योंकि मोदी जी की गारंटी है, तो इलेक्शन के दौरान ये सब टर्मिनोलॉजी इम्पॉर्टेंट होता है। पहली बात है, उम्मीदवार ही नहीं,
चुनाव में हर मतदाता इम्पोर्टेंट होता है, चुनाव में बूथ लेवल का कार्यकर्ता भी इम्पोर्टेंट होता है, कैंडिडेट भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। और इसलिए ये कह देना कि और किसी का महत्व नहीं होता है, ये वरना इतना बड़ा चुनाव हो ही नहीं सकता है जी, तो बहुत महत्व होता है। जहाँ तक गारंटी का सवाल है, आज हमारे यहाँ दुर्भाग्य से शब्दों के प्रति जो कमिटमेंट होना चाहिए वो एक प्रकार से लग रहा है कि तो चलते का नाम गाड़ी, कुछ भी बोल दो, कहीं पर भी बोल दो, कोई जिम्मेवारी नहीं। अब आप देखा होगा इन दिनों एक नेताजी के पुराने ढेर सारे वीडियो बाजार में घूम रहे हैं और उनके एक विचार से दूसरा विचार कितना कॉन्ट्राडिक्टरी है। अब लोग एक साथ देखते हैं, उनका अरे ये आदमी इतना हमें मूर्ख बनाता था, हमारी आँख में धूल झोंकता। अभी मैंने एक नेता का भाषण सुना, उन्होंने कहा एक झटके में मैं गरीबी हटा दूंगा। अब जिनको पाँच पाँच छः छः दशक देश का राज करने को मिला, वो जब आज कहेंगे कि मैं एक झटके में गरीबी हटा दूंगा, तो देश सोचता है ये क्या बोल रहे हैं। तो मुझे लगता है पॉलिटिकल लीडरशिप की क्वेश्चनेबल होती जा रही है। ऐसे में प्राण जाए और वचन न जाए, ये महान परंपरा से हम निकले हुए लोग हैं। मैं मानता हूँ नेताओं ने ओनरशिप लेनी चाहिए, जिम्मेवारी लेनी चाहिए। मैं जो बोल रहा हूँ मतलब मेरी जिम्मेवारी है, ये कोई करेगा ऐसा करेगा ऐसे नहीं चलता है। और उसमें से मैंने बल दिया है गारंटी का, मैं कमिटमेंट भी करता हूँ और उसका मैं ओनरशिप ले रहा हूँ। और जब ओनरशिप लेते हैं तो देश को भरोसा होता है। आज आप देखिए कि हम जो बात कहते हैं उस पर लोगों का भरोसा है। 370 हटाऊंगा, भले हमें पार्टी का जन्म हुआ तब से हम कह रहे थे, हमारे श्याम प्रसाद मुखर्जी ने बलिदान दिया था, लेकिन हम उस पर पक्के मन से लगे हुए थे। जब मेरा मौका आया मैंने पूरी हिम्मत दिखाई, 370 गई और आज जम्मू कश्मीर का भाग्य बदल गया। तीन तलाक कितने ही चीजों से गुजरा, पॉलिटिकल लीडरशिप डर गई, लोगों को रहा भी इनके ऊपर क्या भरोसा करें, ये तो एक बार एक बोलते दूसरे लोगों का भरोसा तब बनता है, कहेगा यार ये खुद खड़े रहेंगे, ये खड़े रहेंगे। और जाना भी है तो जिम्मेवारी लेकर के जाएंगे कि भाई ये था, मैं सोचा था, नहीं कर पा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ वापिस। लेकिन भरोसा बहुत बड़ी ताकत होती है और भारत जैसे देश में ये भरोसा को मैं अपनी जिम्मेवारी मानता हूँ और इसलिए मैं बार बार गारंटी ये कहता हूँ। मोदी जी, आप भरोसे की बात करते हैं, जब भी हमारे कैमरा टीम्स जहाँ भी जाते हैं वो सब यही कहते हैं कि जो मतदाता हो या कैंडिडेट हो वो सब यही बात करते हैं, मोदी पर भरोसा। तो हैव वी कम टू दिस सिचुएशन जहाँ पे पहले होते थे बहुत बोला जाता था कि इंदिरा इज़ इंडिया, इंडिया इज़ इंदिरा, और अब है मोदी इज़ भारत, भारत इज़ मोदी, क्या उस लेवल पर पहुँच गए हैं? ऐसा है कि देश ये कहता है और जो मैं खुद भी फील करता हूँ कि ये माँ भारती का बेटा है, ये माँ भारती का संतान है, उससे ज़्यादा न लोग मुझे मेरे लिए सोचते हैं न ही मेरे लिए बोलते हैं। भारत माँ का संतान है, माँ की सेवा कर रहा है, तो इतना ही बहुत है। मैं राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की बात करती हूँ, इसको एक राजनीतिक रंग नहीं चढ़ना चाहिए था लेकिन हो गया है, और जब इलेक्शन आ गए हैं तो फिर चाहे ऑपोजिशन हो या बीजेपी हो एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, तुम पापी तुम पापी। कांग्रेस कहती है कि इसका राजनीतिकरण बीजेपी ने किया इसलिए वो पापी है, बीजेपी कहती है कि न्योता देने के बावजूद आप प्राण प्रतिष्ठा में आए नहीं इसलिए आप पापी हैं। तो इसे आप कैसे देखते हैं? पहली बात है कि इसका राजनीतिकरण किसने किया
और इसको आज की घटनाओं से समझते हैं, जब हमारा जन्म भी नहीं हुआ था, हमारी पार्टी पैदा भी नहीं हुई थी, उस समय अदालत में ये मामला निपटाया जा सकता था, समस्या का समाधान हो सकता था। भारत विभाजन हुआ तो विभाजन के समय ये तय कर सकते थे, चलो भाई इतनी इतनी चीज़ें ऐसा कर लो, वो नहीं किया गया। क्यों? कि एक ऐसा हथियार हाथ में है जो हथियार वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए मजबूती का एक दांव है, इसलिए उसको पकड़ के रखा गया और बार बार उसको भड़काया गया। अब जब ये अदालत के अंदर मामला चल रहा था, अदालत में अभी जजमेंट ना आए वहां तक कोशिश की गई, न्यायिक प्रक्रिया से होना चाहिए, तो हमारा संविधान हमें कहता है और सरकार की तो जिम्मेवारी है, लेकिन उसमें भी अड़ंगे डालना, ये क्यों? क्योंकि उनके लिए ये राजनीतिक हथियार था, ऐसे लोगों के लिए। और देखिए राम मंदिर का, ऐसे लोग हैं राम मंदिर कर रहे हैं तुम्हें मार देंगे, ऐसा करके वोट बैंक बनाने का एक तरीका था। अब हुआ क्या, राम मंदिर बन गया तो उनके हाथ से वो मुद्दा ही चला गया, अब वो किसी को डरा नहीं पा रहे हैं, राम मंदिर आ जाएगा, आ गया, कुछ नहीं हुआ, आग नहीं लगी कोई। दूसरा इनकी प्रकृति, आप सोमनाथ मंदिर से लेकर के अब तक की घटनाएं देखिए, वे भारत की मूलभूत आस्थाएं, भारत का मूलभूत जो पिंड है उसके प्रति नेगेटिविटी लेकर के ही देश में वो अपनी बात है। अब सोमनाथ मंदिर को क्या प्रॉब्लम था, सरदार पटेल थे, डॉक्टर राजेंद्र बाबू को जाना था, वहां तो न जनसंघ था, न भाजपा था, न आरएसएस थी, न कोई लड़ाई थी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया जाने, वो जो नेहरू जी की जो चिट्ठी थी, हाँ जो भी है। अब ये और ये वो परंपरा आज भी चल रही है कि प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण मिले और आप उसको ठुकरा दें। सचमुच में तो आपको गर्व होना चाहिए कि ये राम मंदिर निर्माण करने वाले जो भी लोग हैं जिन्होंने संघर्ष भी किया है, वे आपके सारे पाप भूल करके, सारे आपके गुनाह भूल करके घर में आकर के आपको इनवाइट कर रहे हैं और नए से व्यवहार शुरू करना चाहते हैं, आप उसको भी उस पुराने मिजाज से ठुकरा दें, तब लगता है कि आपके लिए वोट बैंक एक बहुत बड़ी आपकी मजबूरी है। और उस वोट बैंक के चलते इस प्रकार की चीज़ें होती रहती, और ये किसी को नीचा दिखाना, किसी का अपमान करना, ये अपना अधिकार मांगते हैं। और मैं कभी कभी कहता हूँ ये तो नामदार है, हम तो कामदार हैं, अब मैं नॉर्थ ईस्ट जाऊँ वहाँ के लोग कोई कपड़े पहना दे, मैं पहनता हूँ, उसकी भी मजाक उड़ाना, यानी हर चीज़ की। मैं तमिलनाडु जाऊँ लूँगी पहनूँ तो उनको लगता है देखो ये कर रहा है वो कर रहा है, मैं हैरान हूँ जी, इतनी नफरत लोकतंत्र में नहीं होती है, नहीं होनी चाहिए। देखिए हमारे लिए, मैं मानता हूँ ये न राजनीति का विषय हम लोगों के लिए है, न होना चाहिए और न कभी होगा, हमारे लिए एक जबरदस्त आस्था का विषय है जी। और ये कोई प्रभु राम का संबंध कोई मेरे कारखान में नहीं आया जी, हजारों साल से और दुनिया के अनेक देशों में है। जब ये राम मंदिर का निमंत्रण देने के लिए ट्रस्ट के लोग मुझे आए, उन्होंने ठुकरा दिया, मैं सोचने लगा इतना बड़ा मुझे दायित्व तो दिया जा रहा है, मैं अपने आप को योग्य क्या कैसे करूं, अपने आप को योग्य कैसे बनाऊं। तो मैंने कुछ लोगों की एडवाइस ली, कुछ संतों की, कुछ जानकार लोगों की, मेरी स्पिरिचुअल लाइफ से जुड़े हुए कुछ लोगों को मैंने पूछा कि भाई मैं इसको एक प्रधानमंत्री के रूप में इस कार्यक्रम को नहीं लेता हूँ, एक राम भक्त के रूप में करना चाहता हूँ, मुझे क्या करें। उसमें से मुझे सुझाव आया, तो सुझाव तो बहुत, लेकिन मैंने फिर कुछ अध्ययन भी किया और मैंने मनोमन तय किया कि मैं 11 दिन का अनुष्ठान करूँगा। और मैं ज़मीन पर सोता था, नारियल के पानी पर रहता था और तय किया मैं प्रभु राम जहाँ जहाँ गए थे उसमें जहाँ भी मैं जा सकता हूँ जाने का प्रयास करूँगा। और वहाँ मैं अपना, जब मैं श्रीरंगम मंदिर में गया दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत में, और कंब रामायण का मैंने पाठ किया वहाँ,
तब मुझे वहाँ के लोगों ने बताया कि साहब 800 साल पहले जब कंब रामायण की रचना हुई तो पहला पाठ इसी जगह पे हुआ और मैं देख रहा सबके आँख में आंसू थे। ये जो मैंने अनुभूति की है साउथ में खास करके, यहाँ बैठे हुए लोगों को अंदाज नहीं आएगा जी कि क्या भक्ति है, क्या आस्था है और कितनी पवित्रता है उसमें। मेरा कार्यक्रम नोन नहीं था, मेरा काम भी ऐसा व्यक्तिगत था, लेकिन जो जन सामर्थ्य एक प्रकार से मुझे उनके भाव में अनुभव कर रहा था, तो मेरे लिए शायद मेरी स्पिरिचुअल जर्नी की एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण ये 11 दिन की घटना में देखता हूँ मैं। और राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को मैंने बहुत गंभीर लिया था जी, मैंने एक इवेंट के रूप में नहीं लिया था जी, मेरे लिए वो इवेंट नहीं था, वो एक स्पिरिचुअल मूवमेंट था आपके लिए। मैं मानता, मुझे दिखता था वो 500 साल का संघर्ष, मुझे दिखता था 140 करोड़ लोगों की श्रद्धा, सपने, और देश के गरीब गरीब लोगों ने पाई पाई देकर के मंदिर बनाया है जी। ये मंदिर तीन चीज़ें मैं देखता हूँ, एक 500 साल का अविरत अखंड एक निष्ठ संघर्ष, लाखों लोगों का एक काम के लिए बलिदान, दूसरा लंबी न्यायिक प्रक्रिया, इतने सालों की न्यायिक प्रक्रिया और न्यायिक प्रक्रिया के हर तराजू से तुल करके निकला हुआ कसौटी हुआ हुआ, दूसरा टेक्नोलॉजी का उपयोग, एएसआई के द्वारा उसकी खुदाई सबूत, ये एक बहुत बड़ा, और चौथा हिंदुस्तान के कोटि कोटि लोगों ने एक एक दो दो पाँच पाँच रुपया जो भी दे सकते हैं दे करके ये मंदिर बनाया है। ये मंदिर सरकारी खजाने से नहीं बना है, ये ऐसे पहलू हैं कि जो भारत के स्वाभिमान को, भारत के सामर्थ्य को, भारत के सपनों को, भारत के संकल्प को और भारत के आने वाली पीढ़ी को बहुत बड़ी प्रेरणा देने वाले हैं। हम दक्षिण भारत की बात करते हैं तो पहले मैं दक्षिण भारत के कुछ मुद्दों के बारे में उठाऊंगी। बीजेपी का एक ऐसा नेता तमिलनाडु में उभर के आया है जिसके लिए मीडिया अटेंशन काफ़ी कुछ आ रहा है, वो है अन्नमलाई जी। तो वो काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं कि तमिलनाडु में बीजेपी को डबल डिजिट फिगर आएंगे, तो क्या ये उनका ओवर कॉन्फिडेंस है कि आप भी तमिलनाडु इतनी बारी जा चुके हैं? पहली बात है कि तमिलनाडु जनसंघ के जमाने से और भारतीय जनता पार्टी, मैं कहता हूँ पांच पांच पीढ़ी हमारी इस विचार के लिए वहाँ खप चुकी है, तो एक निरंतर काम चला है। जब कांग्रेस से लोग निराश हुए तो प्रादेशिक पक्षों की तरफ गए और लंबे अरसे तक प्रादेशिक पक्षों का जो कुछ भी कामकाज देखा है, अब लोग निराश हो गए। निराशा के इस माहौल में उन्होंने दिल्ली में भाजपा की सरकार का मॉडल देखा, हिंदुस्तान में अन्य राज्यों में भाजपा की सरकार का मॉडल देखा, देश भर में जो तमिल बंधु रहते हैं उन्होंने अपने घरों में जाके बताया भी हम जिस राज्य में रहते हैं वहाँ तो ये हो रहा है। तो लोग स्वाभाविक तमिल प्रजा कंपेरिजन करने लगी कि जो हवा खड़ा किया गया था ये तो अच्छा काम कर रहे हैं। अब जैसे मैंने तमिल काशी संगम किया तो तमिलनाडु में डीएमके पार्टी वाले लोग ये तो पानीपुरी वाले कर करके मजाक उड़ाते थे, लेकिन जब तमिलनाडु के लोग काशी संगम कार्यक्रम में आए और काशी का रूप रंग देखा, उन्होंने कहा ये हमने तो जो सुना था ऐसा नहीं है, ये तो बहुत डेवलप दिखता है, बड़ी प्रगति हो रही है, आईटी का नेटवर्क दिखता है, तो सोचने का तरीका बदलने लगा और उसके कारण डीएमके के प्रति जबरदस्त गुस्सा पैदा हुआ है। मैं कल्पना नहीं कर सकता इतना बड़ा गुस्सा पैदा हुआ है, वो गुस्सा पैदा डाइवर्ट हो रहा है बीजेपी की तरफ पॉजिटिव वे में। और अन्नामलाई एक बहुत ही अच्छे आर्टिकुलेट है, यंग है, बहुत ही अपनी आईपीएस कैडर में बहुत बड़ी प्रतिष्ठित नौकरी छोड़ कर के आए हैं। दूसरा लोग सोचते हैं कि यार इतना बड़ा होनहार कैरियर छोड़ के आया आदमी तो डीएमके या डीएमके में चला जाता, उसकी तो जिंदगी बन जाती,
तो वो माना नहीं गया, वो बीजेपी में आया। तो लोग आप यार ये बीजेपी में गया मतलब कुछ मेटल है, कुछ अच्छे इरादे वाला इंसान लगता है, तो स्वाभाविक रूप से उसके आकर्षण का केंद्र बना है। और मेरी पार्टी की विशेषता है, हम हर स्तर के हर छोटे मोटे कार्यकर्ता जिसमें क्षमता है उनको अवसर देते हैं। हमारा कोई परिवारवादी तो पार्टी है नहीं, परिवार से चलित पार्टी नहीं है, जिन पार्टियों में ऑफ द फैमिली, बाय द फैमिली एंड फॉर द फैमिली होता है, और इसलिए हमारे यहाँ तो हर एक को अवसर मिलता है। फैमिली बेस्ड पॉलिटिक्स अगर हम बात करें तो तमिलनाडु में डीएमके ने कहा है कि उन्होंने काफ़ी बयान दिए हैं सनातन के खिलाफ, और वो तो काफ़ी अरसे से करते आए हैं, काफ़ी दशकों से उनका एंटी सनातन पोजीशन रहा है, लेकिन अब जो है वो लोग थोड़ा बहुत आक्रोश दिखने को मिल रहा है। तो आप क्या समझते हैं कि इज़ इट बिकॉज ऑफ अवेयरनेस कि लोग बीजेपी की तरफ मुड़ रहे हैं, या फिर सनातन के खिलाफ जो उनके स्टेटमेंट्स हैं वो बाकी राज्यों में भी ये फैल रहा है अब? मैं इस सवाल को ज़रा अलग तरीके से देखता हूँ। सवाल हमें कांग्रेस को पूछना चाहिए, जो कांग्रेस जिसके साथ किसी ज़माने में महात्मा गांधी का नाम जुड़ा हुआ था, जो कांग्रेस जहाँ इंदिरा गांधी जी गले में माला खुलेआम पहन करके घूमती थी, रुद्राक्ष माला पहन करके घूमती थी इंदिरा जी। सवाल कांग्रेस को पूछना चाहिए कि तुम्हारी क्या मजबूरी है कि सनातन के खिलाफ इतना जहर उगलने वाले लोगों के साथ तुम क्यों बैठे हो भाई? क्या तुम्हारी राजनीति अधूरी रह जाएगी क्या? ये कौन सी कांग्रेस की सोच विकृति आ रही है कांग्रेस में, ये चिंता का विषय है। डीएमके का तो जन्म शायद इस नफरत में पैदा हुआ होगा, और धीरे धीरे वो नफरत का खेल भी उनका लोग स्वीकार करने नहीं लगे हैं, और इसलिए वो नए नए तौर तरीके अपना करके बोल रहे हैं। प्रश्न उनका नहीं है, प्रश्न कांग्रेस जैसी पार्टी का है कि उसने अपना मूल कैरेक्टर गंवा दिया है क्या? जब संविधान सभा में जो लोग बैठे थे तो ज़्यादातर गांधीयन लोग थे, ज़्यादातर कांग्रेस की विचारधारा से जुड़े हुए लोग थे, और पहला संविधान बना उसके हर पेज पर जो पेंटिंग है रामायण, वो सनातन की ही परंपरा से जुड़े हुए हैं। तो आपका संविधान बना, उस संविधान में सनातन का गौरव का हिस्सा था, और आज सनातन को इतनी भयंकर गालियां देने की हिम्मत हो और आप उनके साथ चुनाव की राजनीति करें, उनके साथ मंच साझा करें, मजबूरी कांग्रेस की, ये देश के लिए चिंता का विषय है। और जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और कुछ और दक्षिण के मंत्रियां हैं, मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो कहते हैं कि जो दक्षिण है वो अलग इकाई है, उत्तर अलग इकाई है, दक्षिण भारत और उत्तर भारत, और बीजेपी जो है वो दक्षिण भारत में सेंध नहीं कर सकती। राहुल गांधी ने तो संसद में भी कहा था कि आप अगर पूर्व से देखें, बंगाल से देखें, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल तक जाएं, पूरे उस एरिया में बीजेपी सेंध नहीं कर पाएगी। दो अलग इकाई है क्या दक्षिण भारत और उत्तर भारत? पहली बात है, भारत बहुरत्ना वसुंधरा है, भारत विविधताओं से भरा हुआ देश है, यहाँ रेगिस्तान भी हैं, यहाँ समुद्री तट भी हैं, यहाँ हिमालय भी हैं, और यहाँ सह्याद्री भी हैं, यहाँ गंगा के पट भी हैं और कावेरी के पट भी हैं। तो भारत को टुकड़ों में देखना ये भारत के प्रति नासमझी का परिणाम है। अगर यही भाव होता, अगर आप हिंदुस्तान में देखें प्रभु राम के नाम से जुड़े हुए गांव कितने सबसे ज़्यादा कहाँ हैं, तो तमिलनाडु में है। इतने सारे गांव के नाम हैं कि उसमें राम तो होगा ही होगा, अब इसको आप कैसे अलग कह सकते हैं, किसको गले उतारेंगे आप? लेकिन भारत की विविधता है, पंजाबी जैसा होगा वैसा नागालैंड का व्यक्ति नहीं होगा, गुजराती जैसा होगा वैसा कश्मीर का व्यक्ति नहीं होगा। तो विविधता ही तो हमारी शक्ति है, हमने विविधता को सेलिब्रेट करना चाहिए। हमें गुलदस्ता ऐसा है भारत का जिसमें हर एक का अपना फूल दिखाई दे, ये भाव होना चाहिए।
कांग्रेस कहती है कि बीजेपी और खासकर मोदी जी इस विविधता को अप्रिशिएट नहीं करते, एक रंग में ढालना चाहते हैं, और अगर 400 सीट जो आप कह रहे हैं अगर वो आ जाता है तो संविधान रद्द हो जाएगा, एक ही भाषा, एक ही रहन सहन, एक ही तरीका होगा, और वो है जो मोदी जी कहेंगे। मैं समझ नहीं पाता हूँ कि जो व्यक्ति यूएन में जाकर के पहली बार दुनिया की सबसे पुरातन भाषा तमिल भाषा का गुणगान करता हो, किस आधार पर उस व्यक्ति को आप ऐसे आरोप लगा रहे हो? मेरा तो मत है, और मैं जब कपड़े अलग अलग राज्य के पहनता हूँ तो उनको ये परेशानी हो रही है। मुसीबत उनकी है कि वो एक ढांचे में देश को ढालना चाहते हैं। हम तो विविधता की पूजा करते हैं, हम विविधता को सेलिब्रेट करते हैं, और मैं हमको हर एक को कहता हूँ, जैसे हमने कहा कि भाई डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, मातृभाषा में क्यों नहीं बन सकता है? जब मैं मातृभाषा में डॉक्टर इंजीनियर बनने की बात करता हूँ, मतलब कि मैं मातृभाषा को सेलिब्रेट कर रहा हूँ, उसका महात्मा बढ़ा रहा हूँ। मुझे ये अभी ये गेमिंग वाले सब बच्चों के साथ बैठा था तो उनमें से किसी ने पूछा हमारे लिए कोई संदेश, तो ऐसे मैंने कहा एक काम करो, अब जब भी आप हस्ताक्षर कहीं करेंगे, सिग्नेचर करेंगे, अपनी मातृभाषा में सिग्नेचर करो, इतना तो गर्व करो। अब मैं तो विविधता को लाने की कोशिश कर रहा हूँ, अब उनको आरोप लगाने हैं क्या करेंगे? कुछ मुख्यमंत्री हैं वो कहते हैं कि उन्हें सेंटर से सहयोग नहीं मिलता, दक्षिण के भी कुछ मुख्यमंत्री हैं, आप भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, अब प्रधानमंत्री हैं पिछले 10 साल में, क्या कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को लेकर आपके विचार बदल गए हैं जब आप मुख्यमंत्री थे और जब अभी आप प्रधानमंत्री हैं? दरअसल और क्या उन्हें नहीं मिलता सहयोग? दुर्भाग्य हुआ है कि जो रीजनल एस्पिरेशंस होते हैं उसको सबसे ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए, ये मेरी पार्टी की फिलोसॉफी है। अगर आप रीजनल एस्पिरेशंस जो हैं उसको नकार करके विकसित भारत का सपना पूरा नहीं कर सकते। दूसरा, मैं गुजरात में लंबे समय तक मुख्यमंत्री रह के आया हूँ, और मेरा सौभाग्य है कि देश में मैं पहला प्रधानमंत्री ऐसा हूँ कि जिसके पास राज्य के मुख्यमंत्री का इतना बड़ा अनुभव रहा है। तो एक मुख्यमंत्री के नाते केंद्र से क्या अपेक्षाएं होती हैं, केंद्र से क्या तकलीफें होती हैं, उसको मैंने भली भांति झेला है, समझा भी है, और इसलिए मैं कतई नहीं चाहूँगा कि मेरे देश का कोई राज्य, उसका उमंग, उत्साह और विकास का उस पर कोई रुकावट पैदा हो। अगर रुकावट हटा सकता हूँ और उसमें मैं उनकी मदद कर सकता हूँ, वो भी मैं करने के लिए जाऊँ, क्योंकि मुझे देश बनाना है। दूसरा, मैं जब गुजरात था तब भी मेरा मंत्र था, यहाँ सरकार यूपीए की थी तब भी मेरा मंत्र था, भारत के विकास के लिए गुजरात का विकास। मैं गुजरात का विकास करूँगा, क्यों? क्योंकि मुझे मेरा देश का विकास करना है, हमारे देश में वातावरण बनना चाहिए। और हमने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की कल्पना की हर राज्य में, हमने कहा भी ये राज्य के पैरामीटर के बराबर आए, भारत सरकार ने योजना बनाई, उसकी मदद की, सभी राज्य आज हमारे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में और एस्पिरेशनल ब्लॉक में मिलकर के हम काम कर रहे हैं और बहुत अच्छे परिणाम नजर आ रहे हैं। अब आप कोरोना देखिए, मैंने इतनी बार चीफ मिनिस्टर से मीटिंग की, शायद 20-25 बार, और हर चीज़ में सब मिलकर के निर्णय करते थे, तो हम साथ मिलकर के चले तो हम कोरोना के जंग को जीतने में सफल हुए। और मैं पब्लिकली कहता हूँ कि कोरोना की लड़ाई में भारत की सफलता का कारण मैं सभी राज्यों का भी उतना ही योगदान है, मैं रिकग्नाइज करता हूँ। और इसलिए मैंने हमेशा कहा है कि देश को आगे ले जाना है तो हमें कॉम्पिटिटिव कोऑपरेटिव फेडरलिज्म चाहिए, हमारे यहाँ स्पर्धा होनी चाहिए, तंदुरुस्त स्पर्धा होनी चाहिए विकास की, तब जाकर के। अब देखिए G20, मैं G20 दिल्ली में कर सकता था, मैंने ऐसा नहीं किया, हिंदुस्तान के हर राज्य में G20 समिट किया, क्योंकि हर राज्य में G20 को सबसे ज़्यादा अवसर मिले
लोगों को उस राज्य को देखने का अवसर मिले, राज्य को अपना एक्सपोजर के लिए ग्लोबल प्लेटफॉर्म मिल जाए। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं मेरा देश का हर कोना मेरे लिए देश ही है। मोदी जी, दो सवाल G20 को लेकर मैं पूछना चाहती थी आपसे। एक तो वो जो क्लासिक शॉट था ना, वो प्रेसिडेंट बाइडेन और प्रिंस सलमान जो हैंडशेक वाला जो शॉट, उसके बारे में एक। दूसरा, वेस्टर्न मीडिया में बहुत से आर्टिकल्स आते थे उस वक्त कि कोई कंसेंसस होगा नहीं, डिक्लेरेशन होगा नहीं, पर हो गया डिक्लेरेशन। तो ये दो, इन दोनों चीज़ों की बैक स्टोरी बताइए। एक तो आपने वो हैंडशेक कैसे करवाया और दूसरा डिक्लेरेशन कैसे हुआ? एक ग्लोबल गुड जब उसके लिए काम करते हैं और अपने निजी कोई इफ्स एंड बट्स नहीं होते हैं, तो आप दुनिया को ऑन बोर्ड ले सकते हैं। और मेरी कोशिश ये थी कि मुझे बताइए भाई, आखिरकार ये G8 और G20 पैदा कैसे हुआ? जिन मुद्दों को लेकर के पैदा हुआ था, उस मुद्दों से हटना नहीं चाहिए। और उसमें सब मेरे से कन्विंस हुए, सब लोग कन्विंस हुए। कुछ लोगों से मुझे व्यक्तिगत बातचीत करने की ज़रूरत थी, मैंने वो भी किया। कुछ शब्दों की किसी के आग्रह रहते थे, उनको मैंने समझाने का प्रयास किया। दूसरा, मेरा इरादा था कि मैं लास्ट डे लास्ट सेशन में ही नहीं करूँगा, मैं इसको इतना जल्दी करूँगा कि लोग सरप्राइज कर जाएंगे। और इसलिए मैंने दूसरे ही दिन पहले ही सत्र में डिक्लेरेशन वाला काम पूरा कर दिया। तो जो नेगेटिव अनुमानों के आधार पर सारा G20 घसीटने की कोशिश होती थी, मैं इसको किसी भी हालत में चौंका देना चाहता था। तो दैट वाज माय स्ट्रेटजी, और वो स्ट्रेटजी सफल हुई और मुझे खुशी है। जहाँ तक दुनिया के उन उन देशों को क्यों लाए साथ, कैसे लाए, देखिए सिल्क रूट की चर्चा हम बहुत समय से सुनते आए हैं। सिल्क रूट किसने बनाया, कैसे बना, कोई हिस्ट्री अवेलेबल नहीं है। ठीक है, सिल्क रूट चल पड़ा और यानी इवॉल्व हुआ धीरे धीरे। हम लोगों ने ये जो IMEC की दिशा में हम गए हैं, ये बहुत बड़ा गेम चेंजर बनने वाला है और आने वाले हजारों साल उसका इम्पैक्ट, जैसा सिल्क रूट का इम्पैक्ट हजारों साल रहा, वैसा इसको इम्पैक्ट रहने वाला है। और उसमें मैं सबको विश्वास हुआ कि भाई हाँ, ये तरीका है। उसमें गल्फ कंट्रीज का भी पॉजिटिव और प्रोएक्टिव रोल था, भारत ने एक अच्छी भूमिका निभाने का भारत को अवसर मिला, US यूरोप हमारे साथ थे और सबको लगा कि एक कॉन्क्रीट पॉजिटिव आउटकम निकलेगा, तो हम उसको लेकर के मिलते थे। तो उसमें स्वाभाविक था कि सऊदी किंग और प्रेसिडेंट बाइडेन और दोनों के साथ मेरी अच्छी मित्रता है, तो मैं किसी का भी हाथ भी पकड़ सकता हूँ, किसी की बात भी कर सकता हूँ। पर्सनालिटी पॉलिटिक्स भी आता है ना, क्योंकि देखिए आप कि अगर हम विदेश नीति की बात करें तो खाड़ी के साथ जो हमारे रिश्ते बेहतर हुए हैं, उसके लिए बहुत से लोग कहते हैं कि इट इज़ बिकॉज ऑफ योर पर्सनल इंटरवेंशन, आपको सम्मान भी दिया गया था वहाँ पर। तो चाहे ईस्ट एशिया हो या वेस्ट एशिया हो, इसमें पर्सनालिटी पॉलिटिक्स कहाँ तक इम्पोर्टेंट है कि आप उनके जो राष्ट्रपति हैं या प्रधानमंत्री हैं, उनके साथ आपका वाइबिंग होता है, आप उनके साथ बातचीत करते हैं और वो फिल्टर डाउन होता है, फिर कहाँ तक इसमें पर्सनालिटी पॉलिटिक्स भी है? मैं समझता हूँ कि इसके अलग अलग व्यू हो सकते हैं और सब सही हो सकते हैं। एक मत स्ट्रॉन्ग है कि पर्सनालिटी कल्ट या पर्सनल रिलेशन, ये बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में नहीं डाले थे, एक मत है, स्ट्रॉन्ग मत है। मुझे लगता है कि हमारी डिप्लोमेसी अगर प्रोटोकॉल में फंसी रहेगी तो हम परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। डिप्लोमेसी की ताकत भी इनफॉर्मल में भी है, प्रोटोकॉल में ही ऐसा नहीं है। प्रोटोकॉल में ज़्यादा पोजीशनिंग होता है, पहले कौन आएगा, पहले कौन हाथ मिलाएगा वगैरह, उसी में समझ जाता है। तो मैंने शुरू से देखा कि भाई, जैसे मेरी शपथ हुआ था, बड़ा इंटरेस्टिंग है,
मैंने तय किया कि मैं सार्क देशों को 2014 की शपथ, हाँ 2000 पहली बार सार्क देशों को बनाने का मेरे मन में विचार आया। और उसके पीछे कारण ये था क्योंकि मेरा चुनाव प्रचार में मुझ पर आरोप एक ही था कि ये मोदी जो कि राज्य से आया है, ये देश की राजनीति क्या समझेगा, विदेश नीति क्या समझेगा, ये तो डुबो देगा। ये चुनाव प्रचार का मेरा उस खिलाफ के जो मुद्दे थे उसमें एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा था, सब लोग मेरी मजाक उड़ाते थे। तो मुझे लगा इनको एक ही एक्शन से मुझे जवाब दे देना चाहिए, बोलने की जरूरत नहीं। पहले दिन से तो मैंने शपथ समारोह में सार्क देशों को बुलाया। उसके पहले मैंने बैक चैनल से उन सबसे सहमति ले ली थी, ऐसा तो नहीं हो सकता कि कोई, और सब लोग आए। मेरा शपथ हुआ, फॉरेन मिनिस्टर अभी तो हमारा बना भी नहीं था, और मैं इन सारी चीज़ों से बिल्कुल नया था, बिल्कुल अनभिज्ञ था। लेकिन बायलेटरल सबके साथ होना था। जब हम लोग हैदराबाद हाउस में गए तो मुझे समझाया सब प्रोटोकॉल वालों के साथ, ऐसा होगा वो आएंगे आप ऐसा कहेंगे से। जब समय हुआ आना शुरू, मैंने कहा ऐसा करो मैं बाहर जाता हूँ उनको लेने के लिए, तो सारी सिस्टम हिल गई थी कि यार अपने प्रधानमंत्री गेट पर जाएंगे। सारी मेरी एमईए की प्रोटोकॉल की जो दुनिया थी ना, उसके लिए वो पहला ही दिन बड़ा गजब होता, और मेरे लिए वो एक एक्शन, सारे मेरे दरवाजे खोल दिए थे। और इसलिए मैं प्रोटोकॉल में बंधने के बजाय परफॉर्मेंस पर फोकस करके डिप्लोमेसी के लेवल को शिफ्ट करने का प्रयास किया, और उसमें मुझे सफलता मिली है। प्रेसिडेंट ओबामा, प्रेसिडेंट बाइडेन, प्रेसिडेंट ट्रंप, इन तीनों के साथ आपने काम किया हुआ है, और यूएस, इंडिया यूएस रिलेशंस एक अपवर्ड ट्रैजेक्टरी पे हैं। लेकिन बहुत से मुल्क हैं जो भारत की अपवर्ड ट्रैजेक्टरी से परेशान होते हैं, ये इट इज़ अंडरस्टूड कि ये है, जैसे कि चाइना, क्योंकि वो दे यूज़ टू थिंक कि ग्रुप ऑफ टू होगा, एक तरफ चाइना, एक तरफ अमेरिका, मतलब दो पावर सेंटर्स होंगे। तो मैं सिर्फ उदाहरण के लिए चाइना दे रही हूँ, लेकिन हमारे इर्द गिर्द जो मुल्क हैं वो भी थोड़े असमंजस में है कि ये भारत की ट्रैजेक्टरी इतनी ऊपर इतनी जल्दी जा रही है। क्या हम अपने नेबरहुड को अपनी सक्सेस स्टोरी का हिस्सा नहीं बना सकते? अच्छा सवाल आपने पूछा। हमारी डे वन से पॉलिसी है एक, नेबर फर्स्ट, दूसरा एक्ट ईस्ट। तो जो हमारे ईस्टर्न पार्ट के जो हमारे आसियान कंट्री के देश हैं उसमें हमने एक्ट ईस्ट पॉलिसी लिया है, यहाँ नेबरहुड फर्स्ट। तो ये हमारा डे वन से हमारे देश की भी पॉलिसी है और हमारी भी पॉलिसी है। पहले लुकास था, मैंने आकर के उसको एक्ट ईस्ट कहा। लेकिन इसमें दूसरा, आज दुनिया के सैकड़ों मील दूर भी कोई देश है, उनको लगता है कि भारत की प्रगति में हमारा कोई बेनिफिट है, तो पड़ोसी क्यों नहीं देखेगा। आज पड़ोसी सबसे ज़्यादा खुश हैं क्योंकि भारत उनके सबसे, अब जैसे कोविड के कालखंड में कोई पड़ोसी देश ऐसा नहीं है कि जिसकी हमने मदद नहीं की हो। नेचुरल कैलेमिटी, कोई ऐसा देश नहीं है जिस, अब जब नेपाल में भूकंप आया फर्स्ट रिस्पॉन्डर हम थे, श्रीलंका में बहुत बड़ा क्राइसिस आया, उस क्राइसिस के समय सबसे ज़्यादा उनको मुसीबत में से बाहर निकालने का कोई काम किया है हिंदुस्तान ने किया, और पब्लिकली वो रिकग्नाइज करते इसको कहते हैं। और इसलिए मैं तो दूसरा अनुभव कर रहा हूँ, वो हमसे बहुत अपेक्षाएं करते हैं और पॉजिटिव अर्थ में मैं कहता हूँ, अच्छे रूप में देखते हैं। और भारत ने भी कहा है कि भाई हम हमारे सभी देशों को, पड़ोसियों को शक्तिशाली और समृद्ध देखना चाहते हैं। आपने दोस्ती का हाथ बढ़ाया था 2014 से ही, पाकिस्तान चाइना के साथ भी ऐसे किया था, लेकिन जब आप सक्सेस स्टोरी या अपने नेबरहुड फर्स्ट की बात करते हैं तो पाकिस्तान, चाइना, मालदीव्स ये भी आते हैं, और यहाँ पर कटाक्ष है अगर आप बात करें तो, इसके लिए सुधार उसमें उनकी अंदरूनी राजनीति महत्वपूर्ण है। भारत और उन देशों का संबंधों से ज़्यादा उनका इंटरनल पॉलिटिक्स के लिए कुछ चीज़ें जरूरी है जी।
विदेशी मीडिया जो है वो हमेशा कहती है कि मोदी इज़ द मोस्ट पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर इन इंडिया. वो इस बारे में कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये भी कहती है कि अ स्ट्रॉन्ग मोदी मीन्स डेमोक्रेसी स्टार्ट स्लाइडिंग, मतलब लोकतंत्र के लिए खतरा है अगर मोदी जी और स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे. लेकिन भारत में कुछ और ही है, वही रेटिंग्स, वही एजेंसीज कहते हैं कि लोग जो हैं वो खुश हैं कि मोदी जी अगर स्ट्रॉन्ग हो जाएं, तो उन्हीं के रेटिंग्स ये कहते हैं. आप इस बारे में क्या कहेंगे? पहली बात है कि उनकी टर्मिनोलॉजी क्या है और उनके इस कंक्लूजन पर आने का आधार क्या है, ये अपने आप में एक रिसर्च का विषय है. लेकिन मैं ये समझ नहीं पाता हूँ कि जिस देश में 6 लाख पंचायतें चुने हुए लोगों से चलती हो, दुनिया में कोई देश ऐसा है कि जहाँ 6 लाख पंचायतें और नियमित रूप से चुनाव जहाँ होते हैं, इतने राज्य, अनेक पार्टियों की सरकारें, हमारे देश में शायद ही कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी होगी जो कहीं सत्ता में ना हो, तो ये सब होने के बावजूद अगर ये कहना कि सर्वसत्ताधीश कोई बन रहा है, तो ये तो मुझे लगता है उनको जानकारियों का अभाव है हिंदू. दूसरा, अगर मोदी सर्वसत्ताधीश के रूप में रहता तो G20 में मेरे अगल बगल में ही कर रहा है. मैंने तो राज्यों के पास, क्योंकि डेमोक्रेटिक कैरेक्टर है ये हमारा. मोदी जी, एक मैं मदर ऑफ डेमोक्रेसी इसकी दुनिया में गुंजब कर रहा हूँ, तो उनको क्वेश्चन हो रहा है, क्योंकि वो अभी भी स्वीकारने को तैयार नहीं कि भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है. एक सवाल था, यूक्रेन में जब युद्ध चल रहा था तो भारत के जो वहाँ पर छात्र थे उन्हें सुरक्षित रूप से वापस भारत लाया गया, ये एक दिल हिलाने वाला किस्सा था. इसमें आपने हॉस्टिलिटीज रोकने के लिए पर्सनल हस्तक्षेप किया था, पर्सनल इंटरवेंशन किया था, ये सुनने में आया है, तो इसके बारे में कुछ बताएंगे? देखिए, यूक्रेन की चर्चा जरा ज़्यादा हुई खिलाफ, लेकिन मैं 14 से लेकर ऐसी कई घटना है. अगर आपने एक सुषमा स्वराज जी का एक इंटरव्यू है, आप देखिए कि कैसे यमन में से हमने हिंदुस्तान के लोगों को लाए, और सऊदी किंग के साथ मैंने बात कर करके उनसे कहा भाई मुझे वहाँ यमन से लोगों को लाना है, तो आपका बॉम्बार्डिंग चल रहा है, हम कर नहीं पा रहे हैं, मुझे कैसे मदद करेंगे? तो उन्होंने कहा कुछ समझ दीजिए मुझे, और सुषमा जी ने अपने इंटरव्यू में सारी चीज़ें कही हुई है. भारत की रिक्वेस्ट पर एक पीरियड रहता था जिस पीरियड में बॉम्बार्डिंग नहीं होता था, और उस समय हम हवाई जहाज में हमारे लोगों को निकालते, यमन से करीब 5,000 लोगों को हम लाए थे. उसी प्रकार से यूक्रेन में, मेरा यूक्रेन से भी इतना ही घनिष्ठ नेता है, मेरा रशिया से भी इतना ही घनिष्ठ नेता नाता रहा है, दोनों राष्ट्रपति के साथ मैं बहुत मित्रतापूर्ण मेरा रहा है. मैं पब्लिकली राष्ट्रपति पुतिन को कह सकता हूँ कि युद्ध का समय नहीं है. मैं यूक्रेन को भी कह सकता हूँ पब्लिकली कि बातचीत के रास्ते पर ही जाना चाहिए, और इसके कारण मेरी क्रेडिबिलिटी है. और जब मैंने कहा भाई भारत के इतने लोग, हमारे नौजवान फंसे हुए हैं और मुझे आपकी मदद चाहिए, और मैं आप क्या व्यवस्था कर सकते हो, फिर मैंने बताया मैंने इतनी इतनी व्यवस्था की है, आप इतना मेरी मदद कीजिए. उन्होंने मदद की, और भारत के तिरंगे की ताकत इतनी थी कि विदेशी व्यक्ति की भी भारत का तिरंगा हाथ में रखता था तो उसके लिए जगह मिल जाती थी, तो मेरा तिरंगा ही मेरी गारंटी बन गया था. मोदी जी, मैं डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पे वापस आती हूँ. एक सवाल है इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में. राहुल गांधी जो हैं वो हर भाषण में कहते हैं, और विपक्ष के नेता भी कहते हैं कि इसमें धांधली हुई है. आपकी पार्टी के लोग भी कहते हैं कि अगर गलती है, अगर इसमें कोई गुंजाइश है इसके सुधार में, तो वो कर सकते हैं. क्या ये गलत फैसला था इलेक्टोरल बॉन्ड्स का? पहली बात है कि हमारे देश में लंबे अरसे से चर्चा चली है कि चुनावों में काला धन ये बहुत बड़ा खतरनाक खेल हो रहा है. देश के चुनावों को काले धन से मुक्ति मिले इसके लिए कुछ करना चाहिए, चर्चा लंबे समय से चल रही है.
चुनाव में खर्च तो होता ही होता है, कोई इनकार नहीं कर सकता है। मेरी पार्टी भी करती है, सब पार्टियां करती हैं, कैंडिडेट भी करते हैं, और पैसे लोगों से लेने पड़ते हैं, सब पार्टियां लेती हैं। मैं चाहता था कि हम कुछ कोशिश करें कि इस काले धन से हमारे चुनाव को कैसे मुक्ति मिले, ट्रांसपेरेंसी कैसे आए, एक प्रामाणिक पवित्र विचार मेरे मन में था। रास्ते खोज रहे थे, एक छोटा सा रास्ता मिला, वही पूर्ण है। वैसे हमने उस समय भी क्लेम नहीं किया था, पार्लियामेंट में डिबेट में सबने उसको सराहा भी था। आज जो लोग उलट फुलट बोल रहे हैं उन्होंने सराहा था, पार्लियामेंट डिबेट देख लीजिए। हमने कैसे कैसे काम किए, जैसे 1000 और 2000 के नोट खत्म कर दिए। चुनाव में वही बड़े बड़े मात्रा में ट्रैवलिंग करते हैं, क्यों कि ये काला धन खत्म हो। हमने सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 20,000 रुपये तक पॉलिटिकल पार्टियां कैश ले सकती हैं। मैंने कानून बनाकर, नियम बना करके 20,000 को 2,500 कर दिया। क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि ये कैश वाला कारोबार चले। फिर मैंने कहा है कि इलेक्ट्रल बॉन्ड, कि जो पार्टी अपना सीक्रेसी मेंटेन करना चाहती है। होता था क्या, जैसे हम पहले बीजेपी में चेक से पैसा लेंगे तय किया, तो सब व्यापारी लोग हमें आकर के कहें साहब हम चेक से दे ही नहीं सकते। हम लोग क्यों नहीं दे सकते, बोले हम चेक से देंगे तो हमें लिखना पड़ेगा, हम लिखेंगे तो जो सरकार है वो देखेगी कि ये विपक्ष को इतना पैसा दिया, तो हमें तो वो परेशान करेंगे। तो बोले हम तो पैसे देने के लिए तैयार हैं लेकिन चेक से नहीं देंगे। तो मुझे याद है हमारे 90 के दशक में जो चुनाव में हमको बड़ी दिक्कत आई थी, पैसे नहीं थे हमारे पास, और हम नियम लगा के बैठे थे कि हम चेक से लेंगे। देने वाले देने को तैयार थे, चेक से देने की उनकी हिम्मत नहीं थी। तो ये सारी चीज़ों का मुझे पता था। तो मैंने कहा भाई, तो हमने कहा भाई ऐसा है, अब देखिए इलेक्टोरल बॉन्ड न होते तो किस व्यवस्था में ताकत है वो ढूंढ के निकालते कि पैसा कहाँ से आया और कहाँ गया। ये तो इलेक्टोरल बॉन्ड की सक्सेस स्टोरी है कि इलेक्टोरल बॉन्ड थे तो आपको ट्रेल मिल रहा है मनी का कि किस कंपनी ने दिया, कैसे दिया, कहाँ दिया। अब उसमें अच्छा हुआ बुरा हुआ वो विवाद का विषय हो सकता है, इसकी चर्चा हो। मुझे जो चिंता है वो, मैं ये कभी नहीं कहता हूँ निर्णय में कोई कमी नहीं होती है, निर्णय तो चर्चा कर सीखते हैं, सुधारते हैं, इसमें भी सुधार के लिए बहुत संभावना है। लेकिन आज हम पूरी तरह कालेधन की तरफ देश को धकेल दिया है, और इसलिए मैं कहता हूँ सब लोग पछताएंगे, जब बात में ईमानदारी से सोचेंगे सब लोग पछताएंगे। अब देखिए इलेक्ट्रोल बॉन्ड का भी विशेषता थी, कैसा झूठ चल रहा है। कुल देश में 3,000 कंपनियों ने इलेक्ट्रोल बॉन्ड दिए हैं, उसमें 3,000 में 26 कंपनियां ऐसी हैं जिन पर कार्रवाई हुई है। ये कहते हैं ना ईडी वीडी टिकना फला, 3,000 डोनर है उसमें सिर्फ 26, और उनमें से 16 कंपनियां ऐसी थी छापा जब लगा उस समय बॉन्ड खरीदा। कोई जोड़ सकता है इसको, अगर बॉन्ड खरीदा लोग ये जोड़ रहे हैं, उसकी विशेषता ये है कि ये जो 16 कंपनियों ने बॉन्ड खरीदा उसमें से 37 पैसा अमाउंट बीजेपी को डोनेशन में मिली, 37% बीजेपी के विरोधी पार्टियों को मिली अगर पूरे जोड़े जाएं तो। हाँ, मैं ये 16 कंपनी जिसका ईडी सीबीआई कोई ना कोई उस समय एक्शन भी हुआ और बॉन्ड भी निकला, 37% अमाउंट बीजेपी ने, 63 ऑपोजिशन को। क्या ईडी रेड करे और ऑपोजिशन को डोनेशन देने का कार्यक्रम वर्क करे, क्या बीजेपी ऐसा करेगी? इसका मतलब कि 63% पैसा विपक्ष के पास जाए और आप आरोप हम पर लगाएं, लेकिन उनको गोलमोल बोलना है और भाग जाना है। हम ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं तो विपक्ष कहता है कि
ईडी, सीबीआई, आईटी, सारे के सारे इदारे जो हैं, इलेक्शन कमीशन को भी जोड़ते हैं वो, कि सारे इदारों पर बीजेपी हावी है और लेवल प्लेइंग फील्ड है ही नहीं. मतलब दे ऑलरेडी मेकिंग द ग्राउंड कि इलेक्शन जो है वो फेयर नहीं हो सकता. इसमें एक भी कानून मेरी सरकार ने नहीं बनाया, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, चाहे इलेक्शन कमीशन. ऊपर से हमने तो इलेक्शन कमीशन में सुधार किए हैं. आज इलेक्शन कमीशन बनता है तो ऑपोजिशन भी उसमें होता है. पहले तो प्रधानमंत्री एक फाइल पर साइन करके इलेक्शन कमीशन बना देता था और जो उनके परिवार के साथ निकट जुड़े थे ऐसे ऐसे लोग इलेक्शन कमीशन बने, कमिश्नर बने थे. ऐसे लोग इलेक्शन कमिश्नर बने थे जो वहाँ से निकलने के बाद राज्यसभा के मेंबर बने, उनकी सरकार के मिनिस्टर बने. ऐसे इलेक्शन कमिश्नर बने थे जो कांग्रेस के बाद में कैंडिडेट बने. और इसलिए हम उस लेवल पे प्ले नहीं कर सकते, तो हमारा लेवल प्ले फील्ड हो ही नहीं सकता. हम ऐसे बन ही नहीं सकते. हम अच्छे रास्ते पर जाना चाहते हैं, हम उस रास्ते पर जाना नहीं चाहते. दूसरी बात है, आखिर ईडी सीबीआई कैसे बनी? ईडी वगैरह का आप देखेंगे या इलेक्शन कमीशन, अपने एक कहावत है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा. और इसलिए कभी ईवीएम का बहाना निकालेंगे, कभी मूलतः पराजय के लिए वो कुछ रीजनिंग अभी से सेट करने में लगे हैं ताकि पराजय उनके खाते में न चढ़ जाए. वो कह रहे हैं लड़े कैसे आप, या तो ऑपोजिशन लीडर्स को जेल में डाल रहे हैं या फिर अगर वो आपकी पार्टी में आ गए तो सारे पाप धुल गए. कितने ऑपोजिशन लीडर जेल में है कोई मुझे बताए? और क्या यही ऑपोजिशन लीडर उनके सरकार चलाते थे? या जेल का डर है? डर तो पाप का होता है जी, ईमानदार को क्या डर होता है? मेरे यहाँ भी तो उन्होंने मेरे होम मिनिस्टर सबको सबको जेल में डाल दिया था. दूसरा, ईडी की बात करते हैं. आप गुजरात के बारे में कह रहे हैं जब आप मुख्य? हाँ, मैं मुख्यमंत्री था. अच्छा, जो ईडी की बात करते हैं, ईडी ने जितने केसेस किए ना उसमें से सिर्फ, देश को समझना, सिर्फ 3% ही पॉलिटिकल लोग इन्वॉल्व है जिन पर एक केस हुई है. 97% जिनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं ऐसे लोगों है को हुआ है, जो कोई ड्रग माफिया है, कुछ अफसर हैं जो करप्शन करते हैं, कुछ अफसर हैं जो बेनामी संपत्ति बना के बैठे हुए हैं. 97% केस उन पर हुए हैं, जेलों में वो लोग गए हैं. अच्छा, मजा देखिए, ईडी एक स्वतंत्र संस्था को काम कर देना चाहिए, नहीं करने देना चाहिए? बनाई क्यों भाई? 2014 से पहले ये संपत्ति अटैच करने का ईडी को अधिकार है. 2014 से पहले उन्होंने सिर्फ 5,000 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच की. कौन रोकता था ईडी को भाई? और किसके लाभ में कर रहा? मेरे कालखंड में गलत काम करने वालों की 1,00,000 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच हुई है. कई देश की जनता का पैसा नहीं है. दूसरा आंकड़ा तो आप और हैरान हो जाओगे. 2014 पहले इसी ईडी ने देश में से 34 लाख रुपए, 34 लाख रुपया कैश जब्त किया था. मतलब कि स्कूल बैग में आ जाए इतना पैसा, स्कूल बैग में आ जाए. पिछले 10 साल में हमने 2,200 करोड़ रुपया कैश जब्त किया है, 2,200 करोड़ रुपया कैश जब्त किया है. कहाँ 34 लाख, कहाँ 2,200 करोड़. 34 लाख रुपया एक बैग में आ जाता है, 2,200 करोड़ रुपया सीव करना है तो वो हाथी का छोटा सा टैंक ट्रक आता है ना, 70 ट्रक लगेंगे तब जाकर के इतना रुपया हमने ईडी ने हमारे यहाँ हमारे कार्यक्रम में. इसका मतलब ये है कि ईडी सही काम कर रही है, कैश पकड़ा है भाई, लोग पकड़े ने कैश भी पकड़ा है. और मेरा ये कमिटमेंट है, मैं ये कन्विंस हूं कि भ्रष्टाचार ने देश को तबाह करके रखा है. हमें देश में से भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़नी चाहिए, पूरी ताकत से लड़नी चाहिए.
और ये मेरा व्यक्तिगत रूप से मेरा ये कन्विक्शन बना हुआ है। एक सवाल आर्थिक इशू पर है कि जब इलॉन मस्क भारत आने वाले हैं और वो जब आपसे अमेरिका में मिले थे तो उन्होंने कहा था वो आपके प्रशंसक हैं, ही इज़ अ फैन ऑफ योर्स, क्या हम भारत में टेस्ला का स्टारलिंक ये सब देखेंगे? और इससे जुड़ा एक सवाल था कि क्या इस जब ऐसे कंपनीज भारत में आएंगे तो क्या नौकरियां बढ़ेंगी, क्योंकि बहुत से लोग चाहते हैं कि, और थोड़ा भय भी है कि जब ये इंटरनेशनल कंपनीज भारत आएंगी तो क्या भारत में नौकरियां होंगी नहीं होंगी, इन दोनों पर पूछना चाहती हूँ मैं। देखिए, पहली बात है एलन मस्क मोदी के प्रशंसक है, वो अपनी जगह पे है, मूलतः वो भारत के प्रशंसक है। और मैं अभी उनको मिला ऐसा नहीं, मैं 2015 में उनकी फैक्ट्री देखने गया था, वो कहीं बाहर थे तो स्पेशली अपने सारे कार्यक्रम कैंसिल करके वो वापस आए, मुझे सब चीज़ें खुद ने अपनी फैक्ट्री में दिखाई और उनका विजन क्या है वो मैं उनसे समझा। मैं अभी गया तो दोबारा भी उनसे मिला था और अभी वो भारत आने वाले भी हैं। देखिए, भारत में पिछले 10 साल में दुनिया भर से हर क्षेत्र में पूंजी निवेश हो रहा है। अब हमारा ईवी मार्केट, इलेक्ट्रिक व्हीकल का मार्केट कितना बड़ा बना है, आपको जानकर के हैरानी होगी कि कितना बदलाव आया है, लोग पकड़ नहीं पाते। 2014-15 में हमारे देश में 2000 इलेक्ट्रिक व्हीकल थे, 2000 बिके थे, 14-15 में 2000 इलेक्ट्रिक व्हीकल बिके थे, 2023-24 में 12 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल बिके हैं। कहाँ 2000 और कहाँ 12 लाख? इसका मतलब इतना बड़ा चार्जिंग स्टेशन का नेटवर्क बना है, पर्यावरण को बहुत बड़ी मदद मिली है, यानी एक प्रकार से, और उसको लेकर के हमने आप एक पॉलिसी का रूप दिया है, हमने दुनिया को कहा कि भाई भारत बहुत तेजी से ईवी पे जा रहा है, मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते वो आना चाहे आइए। इतना ही नहीं, मैं चाहता हूँ हिंदुस्तान में निवेश आना चाहिए, क्योंकि भारत में वो चीज़ें जिसमें भले पैसा किसी का भी लगा हो, पसीना मेरे देश का लगना चाहिए, उसके अंदर सुगंध मेरे देश की मिट्टी की आनी चाहिए, ताकि मेरे देश के नौजवानों को रोजगार मिले। और मैं उसके लिए, आप देखिए, गूगल उसका बड़ा काम यहाँ कर रहा है, सैमसंग यहाँ पर आया, एप्पल बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पर आया, हमारे यहाँ वडोदरा के अंदर एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए काम शुरू हुआ, सेमीकंडक्टर के लिए अभी तो ताइवान के एक लीडर का बड़ा अच्छा बयान भी आया। यानी हम हर क्षेत्र में चाहते हैं लोग टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करें, हम चाहते हैं लोग पूंजी निवेश करें, हम चाहते हैं हमारे देश के नौजवानों को रोजगार मिले जी। मैं ये अब मुझे मंजूर नहीं है कि मेरा देश के गेहूं बाहर जाए और ब्रेड में बाहर से लूँ, मैं ऐसा नहीं चलाऊँगा। जो भी करूँगा मेरे देश में करूँगा, मेरे देश के नौजवानों के लिए करूँगा, और मैं इसके लिए नीतियाँ भी बनाता हूँ, हिम्मत के साथ बनाता हूँ, और लोग आ भी रहे हैं, भरोसा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, अंत में दो सवाल पूछना चाहूँगी। एक तो फर्स्ट टाइम वोटर्स, पहले बार जो मतदान करने वाले हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश है? और दूसरा, जो ईमानदार मध्यम वर्गीय करदाता है, ऑनेस्ट मिडिल क्लास टैक्स पेयर, मिलियंस आर देयर, तो उनके लिए वो क्या उम्मीद कर सकते हैं मोदी 3.0? देखिए, मैं जो विकसित भारत की बात करता हूँ, उसके साथ साइमेंटेनियस किसका भविष्य जुड़ा हुआ है? जो आज 20 साल का, 22 साल का है, वो 2047 में है, उसकी पूर्ण जिंदगी का एक कालखंड है एक प्रकार से, तब वो 40-45-50 का होगा। मतलब ये भारत के विकसित भारत बनने की प्रक्रिया और उसकी जिंदगी की प्रक्रिया दोनों साथ है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है उसके साथ। ये सबसे ज़्यादा बेनिफिशियरी आज का जो फर्स्ट टाइम वोटर है, वो 2047 का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी बनने वाला है। ये बात मैं उसको समझा रहा हूँ कि भाई मैं तेरा भविष्य बना रहा हूँ, तुम मेरे साथ जुड़ जाओ, और मैं क्या मानता हूँ कि वो जुड़ेगा।
दूसरा फर्स्ट टाइम वोटर जो है वो परंपरागत चीजों से बाहर आना चाहता है। अब आप देखिए विपक्ष का घोषणा पत्र पूरी तरह इकोनॉमी को फेल करने वाला घोषणा पत्र है। एक प्रकार से विपक्ष का घोषणा पत्र देश के जो फर्स्ट टाइम वोटर है या पिछले जिनकी उम्र 25 से कम है उनके भविष्य को रौंदने वाला उनका मैनिफेस्टो के इकोनॉमिक प्रोग्राम है। वो तो खटाखट 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 पैसे देने वाला मैं उनको क्या करना है पूरा अगर एनालिसिस करोगे तो सबसे बड़ा नुकसान ये जो देश के 25 साल की उम्र से कम उम्र वाले लोग हैं उनके भविष्य को रौंदने वाला एक उनका इकोनॉमिक प्रोग्राम है जी, बर्बाद हो जाएगा। मुझे उनकी जिंदगी बनानी है, मैं देश में इनोवेशन को बल देना चाहता हूँ। देखिए देश में जो पैटर्न इन दिनों रजिस्ट्री हुई हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है पैटर्न के, तो यंग जनरेशन को लगता है हाँ हमारी जिंदगी बढ़ रही है। आज डेटा मेरे देश का इतना सस्ता है, मैं जानता हूँ मेरे देश को आर्थिक रूप से नुकसान हो रहा है, लेकिन सस्ता डेटा का परिणाम है कि मैं देश में डिजिटल रिवॉल्यूशन लाने में मेरे नौजवानों को मैंने ताकत दी है। आज वो दुनिया मुझे अभी गेमिंग वाले बच्चे मिले थे, वो कहते थे साहब दुनिया के देश में हम खेलने के लिए जाते हैं वहाँ डेटा इतना महंगा है, बोले हम 50 बार सोचते हैं हम भारत के अंदर इतना हमारे लिए अवसर है इतना सस्ता डेटा है तो हिम्मत कर रहे हैं। एजुकेशन में आज डेटा सस्ता होने के कारण उसको कितनी फायदा हो रहा है जी, लॉन्ग डिस्टेंस लर्निंग, हाँ हर चीज में, टेलीमेडिसिन में, ये जो हमने इन चीज़ों पर कंट्रोल करके रखा है इसका बहुत बड़ा लाभ हो रहा है, बड़ा रिवॉल्यूशन हो रहा है। और जो मिडिल क्लास टैक्स पेयर है उसके लिए जो देखिए जहाँ तक टैक्स पेयर है सचमुच में टैक्स पेयर का सम्मान होना चाहिए, टैक्स पेयर का गौरव होना चाहिए। आए दिन रास्ते चलते हर टैक्स पेयर को गाली देते रहेंगे तो देश कैसे चलेगा जी, ये मैं समझ नहीं आता हूँ ये किस सोच का परिणाम है। देखिए क्या बदलाव आया है, मैं टैक्स पेयर की बात करूँ, पिछले 10 वर्ष में ITR फाइल करने वालों की संख्या 2 गुने से अधिक हो गई। पहले 4 करोड़ से भी कम लोग ITR फाइल करते थे, आज 8 करोड़ से ज़्यादा लोग ITR फाइल कर रहे हैं। टैक्स कलेक्शन 3 गुना बढ़ोतरी हुई है, मतलब पहले जो नेट टैक्स कलेक्शन होता था वो 11 लाख करोड़ रुपये होता था, आज नेट टैक्स कलेक्शन 34 लाख करोड़ रुपये हो रहा है। ये क्यों हो रहा है, उसको भरोसा है कि वो जो पैसा दे रहा है ना वो सही जगह पे उपयोग हो रहा है, विकास के काम, चोरी लूटफाट में नहीं आया, इसलिए वो विश्वास के कारण देने के लिए आगे आया है। दूसरा 7 लाख रुपये तक की इनकम पर टैक्स हमने माफ कर दिया है, जो पहले 2-2.5 लाख पर अटका हुआ था, 7 लाख रुपये कमाई तक कोई टैक्स नहीं देना है, फिर भी मेरे यहाँ टैक्स बढ़ रहा है यानी। और इसलिए मैं मानता हूँ, मैं तो हर टैक्स पेयर का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि जो मुझे सपने पूरे करने हैं उसमें टैक्स पेयर जो धन देता है उसी से होने वाला है। और मैं मानता हूँ देश की प्रगति के लिए करदाताओं की संख्या बढ़नी चाहिए और करदाताओं पर बोझ कम होना चाहिए, इस मूलभूत फिलॉसफी की तरफ मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। जैसे और मैं तो करदाताओं से एक प्रार्थना भी करूँगा कि देश के खातिर विकसित भारत के लिए करदाता क्या कर सकता है, मैं उनको कहूँगा कि आप कम से कम 3 लोगों को जो टैक्स नहीं देते हैं उनको प्रेरित करो कि वो टैक्स देना शुरू करें। हर टैक्स पेयर सिर्फ 3 लोगों को प्रेरित करें, और मैं उनको समझाता हूँ जब मैं गरीब का घर बनाता हूँ उसमें जो ईंट लगती है ना किसी न किसी टैक्स पेयर की ईंट है, वो उसका जो पुण्य है ना, वो जो परिवार उसमें रहता है, जो पुण्य संतोष व्यक्त करता है उसका पुण्य उस टैक्स पेयर को जाता है। किसी गरीब को मैं जब मुफ्त राशन देता हूँ
जब खाना पका करके अपने बच्चों को खिलाता है ना, तब वो कोई टैक्स पेयर सोचे कि हाश मैंने टैक्स दिया था, वो भूखा बच्चा खाना खा रहा है, उसको टैक्स देने का आनंद आएगा। और इसलिए मैं टैक्स पेयर का धन जन कल्याण के काम इनको कोरिलेट कर करके ही चलना चाहता हूँ, ताकि देने वाले को संतोष हो कि मेरे पैसों से ये हो रहा है। ये बहुत बड़ी आवश्यकता है। और मैं बार बार कहता हूँ कि ये जो गरीब के घर की थाली है ना, उसका संतोष का जो पुण्य है ना, उसका हकदार कोई है तो देश का टैक्स पेयर है। मोदी जी, चुनाव के दौरान आपने वक्त निकाला और हमसे इतनी सारी बातें की, उसके लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और मेरे देशवासियों से, यही फर्स्ट टाइम वोटर्स को मेरी अपील है कि देश के नाम वोट कीजिए। मैं उनको कोई राजनीतिक वोट के लिए नहीं कह रहा, देश के नाम वोट कीजिए, खुद का आने वाला 25 साल के भविष्य के लिए वोट करें, ये मैं उनसे आग्रह करूँगा। दूसरा, मैं देशवासियों का कहूँगा, मैं सभी पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर्स को भी कहना चाहूँगा कि गर्मी बहुत है, धूप में सभी पार्टी के वर्कर दौड़ रहे हैं, मैं सभी पार्टी के वर्कर को कहूँगा, बहुत पानी पीजिए, बहुत पानी पीजिए, दौड़िए बहुत दौड़िए, लेकिन पानी बहुत पीजिए, ताकि इस धूप में, इस गर्मी में। मतदाताओं को भी कहूँगा, कितनी ही धूप क्यों ना हो, आप मतदान अवश्य करें, हो सके तो सुबह जल्दी जल्दी मतदान कीजिए। ये और लोकतंत्र के उत्सव के रूप में चुनाव को मनाएं, यही मेरी प्रार्थना होगी देशवासियों को। अगली चुनाव सर्दियों में कीजिएगा और वन नेशन वन इलेक्शन वाला। आपने सही मुद्दा उठाया, वन नेशन वन इलेक्शन हमारा एक कमिटमेंट है, हमने पार्लियामेंट में भी बोला हुआ है, हमने कमेटी भी बनाई थी, कमेटी का रिपोर्ट भी आया है। तो वन नेशन वन इलेक्शन के संबंध में देश में बहुत लोग ऑन बोर्ड आए हैं, सभी दलों ने, बहुत लोगों ने इसमें जो कमेटी को अपना सुझाव दिए हैं, बहुत ही पॉजिटिव सुझाव आए हैं और बड़े इनोवेटिव सुझाव आए हैं, और देश का बहुत बड़ा लाभ होगा अगर हम इस रिपोर्ट को लागू करवा पाते हैं तो। जी धन्यवाद मोदी, नमस्कार, थैंक यू। तो आप प्रधानमंत्री के इस विशेष साक्षात्कार को देख रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन हमारा कमिटमेंट है और अगर ये लागू हो जाता है तो इससे देश का बहुत बड़ा लाभ होगा। साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं और देशवासियों से कहा कि